ये वीडियो आप सभी की डिमांड पे मैंने बनाया बिकॉज काफी सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि प्लीज आप हुडाइज पे मेकअप सिखाइए हुई पे हमसे लाइनर जो है हमसे लाइनर नहीं लग रहा है तो आप लाइनर के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कीजिए तो आज के ये वीडियो में मैं किस तरह से हुडाइज पे मेकअप करती हूँ वो सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके साथ ही साथ बेस मेकअप जो है हम समर के अकॉर्डिंग कैसे करें गर्मियां स्टार्ट हो गई है सो गर्मियों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं हाई एवरी वन कशी साइड मैं मेकअप के वीडियोस बनाती और मैंने काफी सारे ब्राइडल के मेकअप वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं अगर आपने नहीं देखे तो मेरे पुराने वीडियो जरूर देखना एंड मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए तो अभी हम ये मेकअप वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाय द वे आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना मैंने बहुत ही बेसिक सा हेयर स्टाइल बनाया मेसी बन जो बहुत मतलब मुझे स्पेशली मेसी बन बहुत ज्यादा पसंद आता है सो यस सो स्टार्ट किया है मैंने रोज वाटर से सो रोज़ वाटर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर लगाया है जो ये मॉइस्चराइजर है वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है सो so, गर्मियों के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइजर uh, जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं होना चाहिए तो मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ किया उसके बाद मैंने मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज किया बिकॉज मेकअप स्टूडियो का जो प्राइमर है वो ऑल सीजन में आप यूज़ कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे कंसीलिंग मैं कर रही हूँ जिसके लिए मैं एक क्रीम कंसीलर पैलेट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हो सो so, जहाँ पे डार्कनेस थी वहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया आप सभी को बहुत सारे डाउट्स है कि कंसीलर कैसे अप्लाई करना है तो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने कंसीलर से पूरा मेकअप करके दिखाया हुआ है तो वो आप जरूर चेक करिएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे इनके स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का शेड लिया है जिसमें मैंने नार्स और उड़ा ब्यूटी दोनों मिक्स करके यूज किया हुआ है एंड एक और चीज़ गर्मियों में आप जितना लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करेंगे उतना बेहतर रहेगा क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और कीकी नहीं होते वहीं अगर हम क्रीम फाउंडेशन यूज़ करते तो वो काफ़ी ज़्यादा कीकी हो जाता है सो so ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा और ये जो मेकअप है वो सिर्फ आपको देखना ही नहीं है आपको ये ट्राई भी करना है और आई होप आप सभी लोग ये मेकअप ट्राई करेंगे क्योंकि देखने से अगर हर चीज़ आ जाए तो यू नो ईजी हो जाएगा हमारे लिए काम करना बट प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा यहाँ पे फेस हाइलाइटिंग के लिए मैं मेरा फेवरेट व्हाइट आई बेस यूज़ करी हूं। मतलब आप इसे आईस पे भी लगा सकते हो और फेस पे भी लगा सकते हैं उसके बाद इसे हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड एंड uh, मैं ज़रूर आप जैसे ही ये लुक रिक्रिएट करें मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा मैं आप सभी की स्टोरीज़ जो है वो रीशेयर करूँगी मेरा इंस्टाग्राम आई है कशिश जीन सिक्स वन थ्री मुझे जरूर वहाँ पर भी फॉलो करिएगा फिर व्हाइट बेस ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्टोर सो कॉन्टॉर के लिए भी मैं कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही हूँ और अच्छा अपने फेस को स्ट्रक्चर मिल जाए उसके लिए हमें कॉन्ट्रॉल करना चाहिए और यहाँ पे फेस थोड़ा सा ब्रॉड था मेरी मॉडल का वैसे आप मेरी मॉडल को जानते हो या नहीं आए वो आप में से काफ़ी सारे लोग इन्हें जानते होंगे लेट्स सी कितने लोग जानते हैं ड्रो तो कॉन्ट्रॉल के लिए आप कोई भी ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं फिर यहाँ पे मैंने ब्लशॉन अप्लाई किया वो भी बहुत ही नॉमिनल मैंने अप्लाई किया हुआ है ब्लशॉन के लिए मैंने एम की पैलेट यूज़ की हुई है और बहुत ही कम ब्लॉश ऑन है और ये वाला जो मेकअप लुक है वो आप किसी भी फंक्शन में आप दे सकते हो कोई भी आई शेप पे आप दे सकते हो तो so यहाँ पे मैंने क्या किया ना मैंने डबल हाईलाइटिंग टेक्निक यहाँ पे मैंने यूज करी क्योंकि मुझे थोड़ा सा और ब्राइटनेस चाहिए था स्किन में सो so अगर आपको और ब्राइटनेस चाहिए स्किन में तो आप डबल हाईलाइटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं और ये मैंने मेरे पिछले काफ़ी सारे वीडियोज में आपको बताया हुआ था ऑलरेडी फिर थोड़ा सा ब्लश ऑन और बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी मॉडल इज अ ब्लश लवर बहुत ही ज़्यादा सो मैंने ब्लशर अप्लाई किया है वैसे आई मेकअप आने ही वाला है स्टे ट्यून फॉर द आई मेकअप बिकॉज आई मेकअप वाले पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे चैनल का ये सबसे ईजीएसट आई मेकअप है जो आई होप जितने भी बिगिनर्स है जितने भी प्रोफेशनल हैं सब लोग कर लेंगे और एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगी मैं आ रही हूँ मेरी मास्टर क्लास के साथ जो होने वाली है स्टार्ट इलेवेंथ ऑफ अप्रैल से अगर आप मास्टर क्लास की डिटेल्स चाहते हैं सो so, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो uh, so हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप आई मेकअप के लिए मैं थोड़ा सा कैमरा ओम जूम में आ गई हूँ और ताकि आप हर एक चीज़ अच्छे से देख सको आईब्रो डिफाइन से स्टार्ट किया है और आईब्रोज जो है जोया की वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी और ठीक है तो मैंने सिर्फ नॉर्मल ही डिफ़ाइन करी ज़्यादा नहीं उसके बाद लगा दिए हमेशा की तरह वाइट आई बेस आप काफ़ी सारे लोग पूछते हो वाइट आई बेस के बारे में सो जो भी बाई करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो वाइट आई बेस के ऑर्डर के लिए उसके बाद यहाँ पे मैं इसे कर रही हूँ ब्लेंड इसका मिनी ट्यूटोरियल भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी आई एम नॉट श्योर बट लेट्स चलिए अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं एकदम शांति से देखिएगा और अगर जी आधा से ज़्यादा अगर आप नोट डाउन करेंगे चीज़ें तो बेहतर रहेगा लाइट ब्राउन से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं फर्स्ट शेड लिया है मैंने लाइट ब्राउन सेम दूसरी तरफ भी मैं लाइट ब्राउन यूज़ करी हूँ आप चाहे तो पिंक से भी स्टार्ट कर सकते हैं गाउन के शेड के अकॉर्डिंग क्योंकि मेरी जो ब्राइट का जो गाउन है वो थोड़ा सा न्यूड कलर्स में था तो मैंने ब्राउन से स्टार्ट किया अगर थोड़ा पिंकिश होता तो मैं पिंक से स्टार्ट करती हूँ उसके बाद आगे मैंने क्या किया है थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ कर लिया है जो कि आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो अगर मैं नॉर्मल हाईलाइटर आपको बताऊँ तो आप इन कलर का हाईलाइटर ले लीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आउटर कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे यूज किया है थोड़ा सा डार्क शेड क्योंकि आउटर कॉर्नर अगर डार्क रहेगा ना तो आपकी आई मेकअप का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आई लाइनर सो so, सबसे पहले मैंने क्या करा गाइडलाइन की गाइडलाइन के बाद मैंने एक थ्री फोर्थ पार्ट में मैंने एक थोड़ी सी गाइडलाइन क्रिएट की और उससे मैंने विंग क्रिएट किया है ये सेम तरीके से अगर आप लाइनर करते हो तो मेरे लिए मेरे हिसाब से आपके लिए लाइनर करना बहुत ईजी हो जाएगा सो so, जेल लाइनर के बाद मैंने इसे लिक्विड लाइनर से लॉक कर दिया ताकि हमारा जो लाइनर है वो बिल्कुल भी समझ ना हो और जब भी वर्ड आइज पे आप लाइनर लगाए तो एक चीज ये ध्यान रखने की लाइनर बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए सो इस आई मेकअप को और अट्रेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ इसके ऊपर एक ग्लिटर की लाइन मैं अप्लाई कर रही हूँ बना रही हूँ सो टू वे जेल मैंने लगाया उसके बाद मैंने कोई भी आपकी पसंदीदा लूज लिटर का कलर आप ले सकते हो और इस तरह से आप उसे अप्लाई कर सकते हो आप चाहे तो ब्लू ग्रीन गोल्डन बहुत सारे शेड्स बना सकते हो ये टेक्निक से सो so, जरूरी नहीं है ग्लिटर लाइनर बाय करना होना ही चाहिए हमारे पास ग्लिटर लाइनर अगर अगर आपके पास लूज ग्लिटर और ग्लू है तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो सेम दूसरी तरफ भी मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड ये वाला जो आई मेकअप है स्पेशली मेरी मॉडल को भी बहुत ही ज़्यादा ये मेकअप पसंद आया है और आई होप आप सभी को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा वैसे तो अभी हमारा मेकअप बाकी है वेट कीजिए बिकॉज लिपस्टिक वाला पार्ट बाकी है ठीक है और लिपस्टिक जो है हमने बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करी कौन सा शेड पहले मैंने सोचा न्यूड अप्लाई करूँ फिर मैंने न्यूड अप्लाई किया और न्यूड के बाद हमने उसे थोड़ा ब्राइट किया तो कभी कभी ऐसा होता है हमें लिपस्टिक समझ में नहीं आती है कि कौन सी लगाए सो so, मुझे ऐसा लगता है लिपस्टिक अगर आप लगा रहे हो तो आपको आपके क्लाइंट से कंफर्म करना चाहिए बिकॉज हम लोग लिपस्टिक को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं यार अगर मैं पिंक लगा रही हूँ तो मैं पिंक ही लगाऊंगी सो ऑलवेज आस्क योर क्लाइंट्स बिफोर अप्लाइंग द लिपस्टिक यहाँ पे मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ और लैशेज हमने लगा दी है याद रहे होडाइज है तो बहुत ज़्यादा बड़ी लैशेज आपको नहीं लगानी है नॉर्मल लैशेज यूज़ करनी है मैंने रेड लिपस्टिक डिसाइड करी अप्लाई करने के लिए बिकॉज जोया वॉज लाइक हम लोग थोड़ा ब्राइट कलर में जाते हैं क्योंकि मैंने इनका जो पहले लुक किया था तो हमने न्यूड लुक किया था तो अभी मैंने सोचा कुछ ब्राइट सा रिसेप्शन लुक है तो थो हम थोड़ा सा लाउड करें सो दैट्स वाई हमने ये कलर डिसाइड किया है अब मैं क्या कर रही हूँ इनर कॉर्नर्स क्रिएट करी हूँ थोड़ा सा पॉइंटेड आगे से मैं क्रिएट करी हूँ बिकॉज ताकि आंखों का जो शेप है वो थोड़ा आलमंड शेप में कन्वर्ट हो जाए इसलिए पुडेडाइज है इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है व्हाइट काजल ताकि आंखें थोड़ी बड़ी दिखे और लोअर लश लाइन पे खाली मैं ब्राउन का नॉर्मल सा स्मच कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मैं लोअर लश लाइन लाउड नहीं कर रही हूँ बार मैंने बहुत ही सेटल रखा है ताकि आप सब लोग ये लुक क्रिएट कर सको और ये जो लुक है स्पेशली मेरी ऑडियंस के लिए है मेरी फैमिली के लिए है क्योंकि आप सभी डिमांड कर रहे थे कि इजी लुक सो आई होप आप ये लुक ट्राई करोगे मैं बहुत इंतजार रहेगा आप सभी की स्टोरीज का मैं इंतज़ार करूंगी बेसब्री से एंड गाइज प्लीज इस लुक को ज्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम आई को भी फॉलो जरूर कीजिएगा एंड यहाँ पे मैं uh, थोड़ा सा हाईलाइटर एक्स्ट्रा यूज करी हूँ बिकॉज रिसेप्शन लुक जो होता है वो नाइट लुक रहता है तो आप इसमें हाईलाइटर थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हो एंड यहाँ पे लुक होता है आई होप आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और ये ब्यूटिफुल ज्वेलरी जो मेरी मॉडल ने पहनी है इट इज़ फ्रॉम अमृत ज्वेलर्स एंड आउटफिट इज ऑल्सो फ्रॉम अमृत आई होप यू लव इट एंड डोंट सर्गेट टू शेयर दिस एज मच एज यू कैन एंड प्रैक्टिस करते रहना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही अच्छे मेकअप के साथ अब तो के लिए बाय बाय एवरीबडी